इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ को हम लोग खोलने जा रहे हैं। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप वो संचालित किए जाएंगे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है उनको भी हम लोगों ने चालू करने का निर्णय लिया है। और जैसे कि आपको पता है कि CBSE ने बच्चों के एग्ज़ाम की तिथियां भी जारी की हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने की भी अभी तैयारी की भी ज़रूरत है और इसको लेकर हम लोगों ने जितने भी किताब की दुकानें हैं उनको और स्टेशनरी शॉप को खोलने का निर्णय लिया है ताकि वो बच्चे पढ़ाई कर सके। इसके अलावा क्योंकि भारत सरकार ने एक ट्रेन भी चलाई है जो शुल्क के साथ चल रही है, वो विभिन्न राज्यों के स्टेशनों पर रुकती है। राजधानी एक्सप्रेस जो इन्होंने शुरू किया है और उसमें से उतरने वाले यात्री पूरे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हमने जो राज्य में चल रहे टैक्सी व्यवस्था उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है अब राज्य के अंदर और अंतर राज्य में भी विद परमिशन ये टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने पहले कई चीज़ें खोल भी रखी हैं, जैसे कृषि से संबंधित सभी चीज़ें खुली हुई हैं, पहले से ही इसका आदेश निर्गत है, जैसे बीज की दुकान, खाद की दुकान और उससे जुड़ी जितने भी मशीनरीज हैं, मशीन्स हैं, उन सभी को, जैसे ट्रैक्टर हुआ, उसका पार्ट हुआ और भी पंप हुआ वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को। और इस तरीके से छोटे बड़े चीज़ें के हम लोगों ने निर्णय लिया है। लिकर शॉप भी खोले जाएंगे क्योंकि आर्थिक व्यवस्थाएं भी करनी है और इस क्रम में इसको भी हम लोगों ने खोलने का निर्णय लिया है जो बहुत जल्द ये सभी चीज़ें खुल जाए। इसके अलावा जो सर्विस जो है सेंटर्स हैं जिसमें मोबाइल सर्विसेज हो, टीवी फ्रिज हो, एयर कंडीशन हो, कूलर हो, घड़ियाँ हो, फ्रिज हो, ये सारी चीज़ों की जो सर्विसिंग सेंटर्स हैं वो भी खोले जाएंगे। इस तरीके के कुछ कुछ चीज़ें और हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, बाकी निर्णय आपको हमारे वेबसाइट में और सरकार के आदेश निर्गत होने पर विस्तृत रूप में जानकारी मिल जाएगी। ये मोटर व्हीकल्स का नहीं है क्या? मोटर व्हीकल्स का ऑटोमोबाइल